चलो शायद आप ऊपर चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज का हमारा शॉर्ट ट्रिप है, जगह का नाम नहीं पता अभी, ना जगह हमने कभी देखी है। खर नदी, खर सेंटर के नाम से जगह है, उस तरफ जाने का इरादा है। अभी हम निकले हैं, इतवार का दिन है, पेट्रोल पंप पर। फैसल भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तैयार हैं आप? जी हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अयूब भाई, अयूब भाई तैयार हैं आप? हेमंत भाई इतनी तैयारी में कहाँ निकले हो? जा रहे भाई खर सेंटर, ऐसा लग रहा है कोयटा जा रहे हो तुम लोग तो। ये वो व्यू है जिसे हम देखने यहाँ पे आए, दो ढाई घंटे की जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँचे। आगे चले आपको दिखाते हैं जी। गुलजार कबूल भाई आ गए हम पॉइंट पे। आखिरकार पहुंच ही गए पॉइंट पे। ये छोटा सा बाइक का रास्ता है, सिर्फ इस पर बाइक जा सकती है। ये रास्ता हमारे हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। बाइक और पैदल का ही रास्ता ही है। कांटे संभाल, कांटे संभाल। ये होता है ना एडवेंचर, इसे कहते हैं एडवेंचर। रोड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है। खेतों के अंदर हमारे घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़े गधे। ये घोड़ा फंस गया हमारा एक खेत में, बाकी के तीन घोड़े जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। भाई अमर भाई मजा आ रहा है आपको? मजा कैसे नहीं आएगा यार, बहुत मजा आ रहा है। कहाँ घुसा रहे हो भाई, क्या करना चाह रहे हो? बस हम अभी असल में दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन सफ़र कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन अभी पॉइंट पे पहुँचेंगे तो सारी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगी। हमारे जो है वो सामान डैमेज हो गए। ओह नो, व्हाट अ ग्रेट, क्या बात है। ये रास्ता है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही आला आला आला। सिंह को तो आला क्या बोलते हैं, आला, बहुत ही आला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब इस वक्त हम मौजूद हैं खर सेंटर के अंदर, और तकरीबन जो है दो ढाई घंटे की जद्दोजहद के बाद हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर इत्तेफाकन जो है पीछे से गुलजार कबूल भाई हमारे पास आ गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया और ये हमें यहाँ तक लेके आ गए। तो चलो हम आपको आगे लेके चलते हैं, जो मेन पॉइंट है वहाँ का व्यू दिखाते हैं आप। ये हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके हैं। ये वो जगह जिसके लिए हमने इतने जोखिम उठाए पहाड़ों के बीच के अंदर। ये वो खूबसूरत मंजर है। ओह नो, वाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने। शॉर्ट इसलिए बोलते हैं शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए जिंदगी में हर मर्तबा। शाहिद भाई, असद भाई, अयूब भाई, गबुल भाई, ये वो इलाका है जो आपको दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला की कुदरत को जरा करीब से दिखाइए। वाह वाह खुदा की कुदरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बहुत प्यारी वाकई। पानी कितना गहरा होगा? पानी गहरा है वो कह रहा है। ये देखे बहुत प्यारी जगह है और बिल्कुल रास्ता लाना भूल गए हैं। नीचे पानी कितना जा बारिश होती तो कितना पानी होता होगा। टंड पे गई टंड पे गई भाई इन्होंने भरोसा नहीं। कितने पीस लगा रहे हो? जितने लंजे हैं सारे मैं तो बोलता हूँ एक ही साथ पक जाएंगे। देख लो ना उतना वाया देखती है। कितनी पीस है? एक दो तीन चार पाँच नौ नौ पीस है। नौ इन्होंने कम करा दिए, मैं 15 पीस लिए थे। बंदे भाई रुक रुक क्या तैयार हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। वाह जी वाह। तो ये आप क्या लगा रहे हैं इस पर? रात को इसको मसाला लगा के रख दिया था, मैरिनेट आपने रात को कर दिया ठीक। बना रहे ये लो, आप लोग हमें बताएंगे कुछ? अच्छा कौन से, चरसी टिक्के या अफगानी टिक्के? बलोची टिक्के। ये कोयले तो आप सिंध से लाए और बैठे बलोचिस्तान में हो? अच्छा और ये मेरे को तो बकरे लग रहे हैं। ये बकरे तो नहीं है, ये छोटे खरीच थे। मैं कैसी शादी है।